हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। BPCIL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां से एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकल के आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। चलिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो BPCIL कॉरपोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी केरला में है, वहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी देख सकते हो, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है और उसके बाद कैटेगरी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है। दो टाइप का भर्ती है, ग्रेजुएट मतलब BTech वालों, डिग्री वालों अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो पोस्ट है, यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट कितना है, 48 पोस्ट है टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए, मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 48 स्टूडेंट, मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 48 पोस्ट है। और उसके बाद अगर डिग्री स्टूडेंट के बात करें तो यहाँ पे 120 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट रखा गया है डिग्री स्टूडेंट के लिए। तो डिग्री में कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके साथ सेफ्टी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा जो भर्ती है दोस्तों मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। और आप लोग को स्टाइपेंड जो मिलने वाला है बहुत बढ़िया स्टाइपेंड मिलेगा BTech स्टूडेंट के लिए, डिग्री स्टूडेंट के लिए 25,000 दोस्तों। अभी के सिचुएशन में जॉब भी नहीं मिलता है 25,000 में, आप लोग को ट्रेनिंग में 25,000 का स्टाइपेंड दे रहे, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई करना। और 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है कोची में, BPCIL कोची में आपकी ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद टेक्नीशियन के बात करें तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी स्टाइपेंड 18,000 आप लोग को मिल जाएगा। 18,000 बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों अभी के सिचुएशन में। केमिकल इंजीनियरिंग में 26 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 है, मैकेनिकल में 9 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 6 है। तो आप लोग को यहाँ पे 18,000 स्टाइपेंड मिलेगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, ये जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है यहाँ पे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन हो जाना है। एज लिमिट के बात करें तो 18 से 27 ईयर तक, मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर तक। और एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिया गया है, आप उस डिटेल को फॉलो करिए, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोग को अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। और इसका जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है 5 जुलाई 2021 से शुरू करके 25 जुलाई 2021, मतलब यहाँ पर 5 से 20 तक आपकी जो NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है यहाँ पे आप लोग 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद BPCIL के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, उसका जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यही था पूरा डिटेल्स, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट से कमेंट करना। और इसी तरीका में जॉब की अपडेट चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, ITI स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अभी 4-4, 5-5 एग्ज़ाम आ रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के तरफ से, इसरो के तरफ से, सब जगह से एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर रेडी रहना, और आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज में ज़रूर एनरोल करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।